हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं रुपेश ऑफिशियल रुपेश फर्स्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हुए नोवो 3i स्मार्टफोन के फुल्ली स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी इंट्रो के बाद में स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में न्यू मेंबर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। और कमेंट में बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा और मोबाइल का क्या प्राइस होना चाहिए, मैं लास्ट में प्राइस भी बताऊंगा इस फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों मैं हाँ तो दोस्तों ये जनरली लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 2018 को। ब्रांड इसका वही का है और मॉडल नंबर नोवो 3i। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी 8.1 ओरियो पर वर्क करने वाला है। इसका कस्टम यू आई जो EMUI का है। सिम स्लॉट की बात करें तो डबल सिम GSM दोनों का सिम का है। सिम साइज जो है नैनो है, सिम टू भी नैनो हाइब्रिड है, और नेटवर्क 4G 3G 2G इंडिया में जो भी ब्रांड अवेलेबल है सभी ब्रांड पे काम करने वाला। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें अवेलेबल है। और दोस्तों और बात कर लेते हैं तो और दोस्तों इस फोन के डिज़ाइन की बात करें तो हाइट इसका 157.6 mm है, और विड्थ जो है 75.2 mm, और थिकनेस की बात करें तो 7.6 mm है। वेट इस फोन का 169 ग्राम है, और कलर 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, आयरिस और पर्पल में। तो फोन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ब्लैक में चूज किया हूँ। आप भी बताना कमेंट में कैसा आपका कलर पसंद है। और दोस्तों फोन का डिस्प्ले काफ़ी मायने रहता था, डिस्प्ले इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया दोस्तों। स्क्रीन साइज इसका 6.3 इंच का है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें 1080x2340 पिक्सल का। एस्पेक्ट रेशियो जो 19.5:9 का है। बिजली डिस्प्ले दिया गया दोस्तों, और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 409 PPI का दिया गया। डिस्प्ले टाइप जो है IPS LCD का है। टच स्क्रीन कैपेबिलिटी टच स्क्रीन मल्टी टच का है। बॉडी टू स्क्रीन रेशियो जो इसका है 82.03% का है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसका डिस्प्ले भी दिया गया। और दोस्तों फ़ोन का प्रोफ्रेंस काफ़ी मायने रखता है, तो दोस्तों इसमें प्रोफ्रेंस धासु दिया गया, वेरी गुड है। इसमें चिपसेट की बात कर लेते हैं तो हिलकिनसन क्रीन 710 का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर डबल प्रोसेसर दिया गया दोस्तों। आप डिस्प्ले पर पढ़ भी सकते हैं। एचटीटीचर की बात करें 64 बिट का, ग्राफिक्स माली G51 MP4 का है। रैम जो इसका 4 GB के साथ अवेलेबल, और इसका रोम की बात कर लेते हैं कितना आप स्पेंड कर सकते हैं इसको, तो आगे देखिए दोस्तों। इसका स्टोरेज जो 64 GB का, इसे स्पेंड करके 256 GB तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया। और दोस्तों कैमरे की बात करें तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। इसका रिजोल्यूशन 16MP+2MP का ड्यूअल कैमरा दिया गया है, और ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन दिया गया। फिजिकल एपर्चर की बात करें 2.02 का दिया गया, फ्लैश लेट फ्लैश के साथ। इमेज रिजोल्यूशन जो इसका है 4616x3464 पिक्सल का। और दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है 24+2MP का ड्यूअल फ्रंट कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फुल HD करेगा, और फिजिकल एपर्चर फ्रंट कैमरा का 2.0 का है। तो दोस्तों कैमरा में काफ़ी अच्छा। आप दोस्तों इतना मैं मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। कमेंट में बताना जरूर दोस्तों क्या इस फोन में होना चाहिए, क्या कमी है और क्या अच्छा है, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। बैटरी काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसका जो कैपेसिटी है 3440 mAh का पॉलीमर का है, और इस केबल जो नहीं इसका दिया गया, यानी बैटरी इस केबल नहीं हो सकता है। और दोस्तों वाईफाई फीचर, ब्लूटूथ, GPS, USB कनेक्टिव जो भी सभी हाई लेवल का। और मल्टीमीडिया में बात कर लें तो लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक जो है 3.5 mm का दिया गया है। और दोस्तों स्पेशल फीचर में फिंगरप्रिंट सेंसर जो भी रियर में दिया गया, अदर सेंसर जो लाइट सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर और कंपास, गायरोस्कोप, ये सभी अवेलेबल है इस फ़ोन में। फ़ोन काफ़ी धासु है दोस्तों, और आपके लिए भी अच्छा फ़ोन है, आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लें। और प्राइस में बताता हूँ इस फ़ोन को लास्ट में क्या होना चाहिए प्राइस, तो आप देखते रहें लास्ट तक। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस फ़ोन को लेना है तो दोस्तों 20,990 से 22,000 तक आपको फ़ोन के लिए रखना होगा पैसा, तो यहाँ आप ले पाओगे, क्योंकि फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है, यानी है फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों तो लेना है तो 22,000 तक आपके जेब में होना चाहिए, तो ही आप ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं अब अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करना वीडियो को अच्छा लगे तो। और फ्रेंड्स बस अगले वीडियो में मिलता हूँ, लव यू, बाय बाय।